तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड फिल्म्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दो दिन मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि एक दिन पूरा मैंने आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर पर 50 सवाल बनाने में लगाया, सोचने समझने में कि किस तरह से आपके लिए आर्ट एंड कल्चर पर सवाल बनाया जाए ताकि कमीशन की जो मानसिकता होती है, चाहे वो UPSC की हो, चाहे वो स्टेट लेवल के जो भी कमीशन हैं, आयोग हैं, क्योंकि फ़ायदा तो हमें तभी होगा जब हम समानता के संदर्भ में चलेंगे, बराबरी के उस पर। अगर हम ऐसे सवाल लगा रहे हैं जो कमीशन के पूछने का जो ढंग होता है वैसे नहीं होंगे तो हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि मेरा वर्क रहा है, लोग इसी में जानते भी हैं, तो जो कुछ भी मिला है उसका उपयोग मैंने आप लोगों के भले के लिए एक विचार किया है और ये कार्य मेरा चल रहा है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने दो दिन का वक्त लिया था ताकि आपके लिए कोई बेहतर चीज़ आपके सामने पेश की जा सके, ताकि आपने जो अपनी ज़िंदगी में टारगेट सेट किया है उसे आप अपना अचीव कर सकें। तो आइए चलते हैं, क्योंकि 50 सवाल है तो ऐसे में हो सकता हो कि 40 से 50 मिनट या एक घंटा लग जाए, लेकिन आप देखेंगे सवालों को तो आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है कि आप लोग करेंगे क्योंकि लोगों ने पढ़ा होता है आर्ट एंड कल्चर पर। तो मेरी एक कोशिश है, क्रिएटिव वर्क है जो मैं जितना कर सकता हूं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने असली स्वरूप में विद्यमान नहीं थी। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, तो यह छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। वर्णों की जो उत्पत्ति है वो छांदोग्य उपनिषद में नहीं है, बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने असली स्वरूप में विद्यमान नहीं थी, तो ये बात सही है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसका असली स्वरूप नहीं था, क्योंकि जो पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मिलता है वो प्रक्षिप्त माना गया, उत्तर वैदिक काल में उसको जोड़ा गया था। तो ऐसे में ऋग्वैदिक काल में आर्य और अनार्य दो ही वर्ग थे, तो इसलिए बी वाला विकल्प सही है। देखिए दूसरा सवाल चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो ही स्टेटमेंट मैंने रखा है ताकि आपको कठिनाई न हो। बृहदारण्यक उपनिषद में शीलवान दास को भी श्रेष्ठ माना गया है, तो ये वाला गलत है। यहाँ शीलवान दास नहीं है बल्कि शीलवान चांडाल की बात है। बृहदारण्यक उपनिषद में शीलवान चांडाल को भी श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए पहला वाला गलत है। मनु के अनुसार संन्यास आश्रम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसने वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था को पूर्ण कर लिया हो। हम जानते हैं कि चार प्रकार के आश्रम इंसान की 100 साल की आयु को देखते हुए 25-25 साल के हिसाब से बांटे गए थे। पहला जो 25 वर्ष होता है इंसान की आयु का, मनुष्य की आयु का, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम देखने को मिलता है। फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं जहाँ विवाह होता है। उसके बाद फिर जब वैवाहिक जीवन आगे बढ़ जाता है, एक उम्र हो जाती है, तो फिर वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था 50 साल से 75 साल तक मानी जाती है, 25 साल की। फिर अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। तो मनु ने कहा है मनुस्मृति के अनुसार कि संन्यास आश्रम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसने वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था को पूर्ण कर लिया हो, तो ये बात गलत है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसे व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम के बाद सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएं, वो सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही कथन क्या हैं, असत्य हैं। तो देखिए स्टेटमेंट मैंने बहुत सोच समझ करके रखा है इसको, देखिए आगे चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अथर्ववेद को छोड़कर किसी भी वेद में आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद को छोड़कर किसी भी वेद में आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो पहले वाला देखिए क्या होगा, ये वाला गलत है। अथर्ववेद में भी नहीं मिलता है, किसी भी वेद में आश्रम शब्द नहीं मिलता है, और ना ही जो है वो आपके ब्राह्मण ग्रंथों में, किसी में भी ब्राह्मण ग्रंथों में भी नहीं है आश्रम शब्द, ना वेदों में है, चारों वेदों में। तो इसलिए पहला वाला गलत है, बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं मिलता है बल्कि जाबालो उपनिषद में मिलता है। ये जो जाबालो उपनिषद है,
इसमें जो मिलता है, जाबालो उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो दोनों ही क्या हैं, असत्य हैं। अब देखिए, सूत्रकारों ने परिव्राजक शब्द का प्रयोग किया है, किसके लिए किया है? ये जो आया है सूत्रकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है परिव्राजक शब्द, इसका प्रयोग किसके लिए क्या है? संन्यास ग्रहण करने वालों के लिए, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए, आजीवन अविवाहित रहने वालों के लिए, व्यापार द्वारा आजीविका प्राप्त करने वालों के लिए। तो आप अपना विकल्प चुन लिए मन में। तो इसका आंसर है संन्यास ग्रहण करने वालों के लिए परिव्राजक शब्द का प्रयोग सूत्रकारों ने किया है। ध्यान रखिएगा, आर ओ ए आर ओ में और पी सी एस में पूछा जा सकता है किसी में भी। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पांचवा प्रश्न, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चतुर्वर्ग में रखा गया है। धर्म अर्थ और मोक्ष को त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है, त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है। तो देखें ये वाला क्या है, तो पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला क्या है, गलत है। धर्म अर्थ और मोक्ष को त्रिवर्ग की संज्ञा दी है, ये नहीं है, बल्कि धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग की संज्ञा दी है, मोक्ष त्रिवर्ग में शामिल नहीं है। क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि चतुर्वर्ग क्या है और त्रिवर्ग क्या है। तो त्रिवर्ग में क्या शामिल है, धर्म अर्थ और काम। तो इसलिए पहला वाला सही है। इंग्लिश में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि सवाल बहुत आसान, मतलब ऐसे हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब छठा सवाल देखिए, पंच महायज्ञों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको पता ही है कि पंच महायज्ञ का उल्लेख मिलता है, तो जानकारी हमको रखनी पड़ेगी। पंच महायज्ञ बिना किसी पुरोहित के भी संपन्न हो सकता था। भूत यज्ञ के तहत घरों में बुरी आत्माओं के प्रवेश से सुरक्षा हो जाती थी, कौन सा सत्य है? एक दो और दोनों असत्य। तो देखिए ये वाला कथन जो है वो सही है कि जो पंच महायज्ञ होता था, तो घर में झाड़ू लगाने से, चूल्हा जलाने से, बर्तन मांजने से, इस तरह के कामों को करने से जीवों की, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते, इनकी जीव हत्या होती थी। तो उसके प्राश्चित के लिए जो है ये आपके पंच महायज्ञ किया जाता था। प्रतिदिन पंच महायज्ञ की व्यवस्था थी, तो घर के लोग ही इसे कर लेते, इसके लिए पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला वाला सही है, और भूत यज्ञ के तहत घरों में बुरी आत्माओं के प्रवेश से सुरक्षा हो जाती थी, तो गलत है ये। बल्कि जो भूत यज्ञ किया जाता था, उसमें जीव जंतुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को भोजन प्रतिदिन कराया जाता था। तो इसलिए ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंच महायज्ञ में वेदों का अध्ययन अध्यापन किया जाता था? ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृ यज्ञ? तो वो किसमें किया जाता था, वेदों का अध्ययन अध्यापन किस यज्ञ में किया जाता, महायज्ञ में किया जाता था? तो वो ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ में किया जाता था। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कार में शिशु की बाई कलाई पर सोने की पत्ती बांधी जाती थी? ये सोने की पत्ती बाई कलाई पर शिशु के बांध दी जाती थी। हम जानते हैं कि संस्कार जो हैं प्राप्त होते हैं, तो सारे संस्कारों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो 16 संस्कार हैं, नामकरण संस्कार में, जातकर्म संस्कार में, निष्क्रमण संस्कार में, अन्नप्राशन संस्कार में, किसमें शिशु की बाई कलाई पर सोने की पत्ती बांधी जाती थी? तो बांधी जाती थी नामकरण संस्कार पर। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखिए, मनुस्मृति के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार कितने माह की आयु में किया जाना चाहिए? यानी जब छोटे बच्चे को जो है वो खीर वगैरह कुछ ठोस पदार्थ खिलाया जाता था, और फिर उसके बाद माता जो है स्तनपान कराना बंद कर देती थी, तो वो छठे माह में किया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार जो है वो छठे माह में मनुस्मृति में लिखा है किया जाता था। आगे चलिए, दसवां सवाल, निष्क्रमण संस्कार, देखिए यहां पर है ये, यानी बाहर निकलना। शिशु को घर से बाहर ले जाकर किस भौतिक तत्व का दर्शन कराया जाता था? बहुत बेसिक सवाल, एकदम फंडामेंटल, जो एकदम मूलभूत है वो बनाए हैं।
निष्क्रमण संस्कार में शिशु को घर से बाहर ले जाकर किस भौतिक तत्व का दर्शन कराया जाता था? सूर्य का, पृथ्वी का, आकाश का, वृक्षों का, किसका कराया जाता था? तो वो सूर्य का कराया जाता था। अब देखिए, सीमांतोन्नयन संस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? यह संस्कार स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता था। इस संस्कार में स्त्री के केशों को संवारा जाता था। इस संस्कार में स्त्री के गर्भधारण की सूचना दी जाती थी। इस संस्कार में स्त्री घृत का सेवन यानी घी का सेवन करती थी, एक चम्मच या दो चम्मच मान के चलें आप। तो कौन सा असत्य है, असत्य बताना है यहाँ पर। तो चौथा वाला जो है ये असत्य है, घृत का सेवन करती थी, तो ये सही नहीं है। बाकी सही है कि इसमें स्त्री गर्भ की रक्षा के लिए ये किया जाता था, केशों को संवारा जाता था और स्त्री के गर्भधारण की सूचना भी दी जाती थी इसमें। तो ये मौलिक बातें हैं, इनको अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूड़ा कर्म संस्कार में संपूर्ण सिर जो है वो केश रहित कर दिया जाता था। कर्ण वेधन एक अनिवार्य संस्कार था। एक और दो दोनों असत्य। तो देखिए, चूड़ा कर्म संस्कार में संपूर्ण सिर केश रहित कर दिया जाता था, तो ऐसी बात नहीं थी। चोटी के लिए मतलब शिखा के लिए जो है जगह रखी जाती थी, उतने बाल छोड़ दिए जाते थे। तो ऐसे में ये वाला गलत हो जाएगा कि संपूर्ण सिर केश रहित कर दिया जाता था, ऐसा नहीं था, बल्कि चोटी के लिए उतने बाल छोड़ दिए जाते थे। कर्ण वेधन एक अनिवार्य संस्कार था, तो ये सही है। तो दूसरा वाला विकल्प सही है। तो शिखा के लिए जो है वो सर पर शिखा रहे, उसके लिए उतने बाल छोड़ दिए जाते थे। अब देखिए, उपनयन संस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य की बात की जा रही है। इस संस्कार में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी, ये बात सही है। यह संस्कार शूद्रों के लिए वर्जित नहीं था। इस संस्कार के द्वारा बालक यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। उपनिषद काल में यह एक आवश्यक संस्कार हो गया था। तो यह संस्कार शूद्रों के लिए जो है वर्जित नहीं था, तो वर्जित था, तो यही गलत है। यहाँ पर नहीं था तो वर्जित था, तो इसलिए असत्य है ये कथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदारंभ संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में प्राप्त होता है, तो वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में प्राप्त होता है। इस संस्कार में केवल ऋग्वेद का पाठन होता था। ये तीन स्टेटमेंट हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन। तो पहला वाला देखिए, मनुस्मृति में प्राप्त नहीं होता है, तो ये गलत है। इसका ये सही है, वेदारंभ सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। और इस संस्कार में केवल ऋग्वेद का पाठन होता था, तो ये भी क्या है, गलत है। चारों वेदों का पाठन कराया जाता था, तो इसलिए सिर्फ दो वाला विकल्प बी वाला सही है। तो सारे संस्कारों के मतलब जो भी संस्कार हैं उनके बारे में जो मूलभूत बातें हैं वो उसके नोट्स होने चाहिए, दोहराया जाना चाहिए, पूछा जा सकता है किसी भी संस्कार में जा करके, क्योंकि कमीशन तो किसी भी तरह से कला संस्कृति में सवाल बना सकता है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद केशांत संस्कार अथवा गोदान संस्कार संपन्न किया जाता था। केशांत संस्कार में गुरु के द्वारा बालक को एक गाय प्रदान की जाती थी। उपर्युक्त में से कौन से सत्य हैं? तो देखिए, ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद केशांत संस्कार अथवा गोदान संस्कार संपन्न किया जाता था, तो यह गलत है। 16 वर्ष की आयु में जब बालक वयस्क हो जाता था तो यह संस्कार किया जाता था, केशांत संस्कार। इसमें दाढ़ी मूछ जो है वो मुड़ा दी जाती थी और जो शिष्य होते थे बालक के द्वारा अपने आचार्य को गाय प्रदान की जाती थी, ना कि आचार्य खुद शिष्य को जो है वो बालक को गाय देते थे, तो ये गलत है। तो इसलिए दोनों ही असत्य हैं इसमें। सोलवा सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश ग्रह सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए बनाया है, आत्मा के परलोक गमन के कारण अंत्येष्टि संस्कार काफी पवित्र समझा जाता था। तो देखिए, पहला वाला क्या है, गलत है। ग्रह सूत्रों में इसका अधिकांश ग्रह सूत्रों में उल्लेख नहीं मिलता है और ये पवित्र नहीं समझा जाता था,
इसको अशुभ मतलब शुभ दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए जो है ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही क्या हैं, असत्य हैं। तो ये ध्यान में रखना है बात को। अगर हम अंत्येष्टि संस्कार की मौलिक बात को नहीं जानेंगे तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि आत्मा के परलोक गमन के कारण, तो हमारे जहन में ये बात आएगी कि हाँ ये बात तो सही है, आत्मा परलोक में जा रही है, स्वर्ग में जाएगी, तो बड़ा पवित्र और शुभ माना जाएगा, तो हम आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए कमीशन जो है वो इस तरह से चीज़ों को बनाता है कि हमें जो है लगता है कि हाँ ये एकदम सही है और वो गलत हो जाता है। 17वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनु स्मृति में ब्रह्म की निंदा करने वाले को नास्तिक माना गया है। दूसरा, वेदों के ज्ञान कांड पर मीमांसा दर्शन आधारित है। अब मीमांसा दर्शन भारत के षट दर्शनों में आस्तिक दर्शनों में है ये, तो ऐसे में हम मीमांसा दर्शन की मौलिक बातों को नहीं जानेंगे, सांख्य दर्शन की मौलिक बातों को नहीं जानेंगे, न्याय दर्शन है आपका, वेदांत दर्शन है, तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर पे हमारी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी सही। जो भारत के 6 प्रकार के षड दर्शन हैं और फिर 3 नास्तिक दर्शनों में गिने जाते हैं, जिसमें 2 जो है नास्तिक दर्शन वेदों को उतना नहीं मानते हैं, जैन और बौद्ध दर्शन, और 1 तो पूरी तरह से नास्तिक की कोटि में रखा गया है उसको, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता है। तो ऐसे में जिसमें चार्वाक दर्शन आता है भौतिकवादी, तो इसलिए देखें कि मीमांसा दर्शन की मौलिक जितने भी दर्शन हैं उसकी बातें हमारे नोट्स में होनी चाहिए, उसमें क्या मौलिक विचार रखे गए हैं। तो वेदों के ज्ञान कांड पर मीमांसा दर्शन आधारित है, तो मनुस्मृति में ब्रह्म की निंदा करने वालों को नास्तिक माना गया है, तो ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। ब्रह्म की निंदा करने वाले को नहीं बल्कि वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक माना गया है। वेद निंदिका नास्तिका, ये लिखा हुआ मनुस्मृति में। वेदों के ज्ञान कांड पर मीमांसा दर्शन आधारित है, तो ज्ञान कांड पर नहीं है बल्कि कर्म कांड पर है मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड पर वेदांत दर्शन है, तो दूसरा वाला भी गलत है, दोनों असत्य हैं। तो इसीलिए कहा है कि कथन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर हमें क्लियर नहीं है वो विचार तो फिर करना नहीं चाहिए एग्जाम में, और रिस्क लेके कर दिया जाता है तो फिर माइनस मार्किंग नंबर कट जाते हैं, अगर होना भी होता है तो फिर नहीं होता है। देखिए 18 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपपुराणों में सम्मिलित नहीं है। हम जानते हैं कि 18 पुराण हैं, तो 18 उपपुराण भी हैं। RO AR O में PCS में पूछा जा सकता है और IS में भी पूछा जा सकता है, संभावना वहाँ भी है। तो उपपुराणों में कौन सा शामिल नहीं है, आश्चर्य उपपुराण, सौर उपपुराण, मारीच उपपुराण, नारायण उपपुराण, तो बताइए इसमें कौन सा आप अपना विकल्प चुन लिए। तो इसका आंसर क्या है, नारायण उपपुराण शामिल नहीं है, बाकी सब उपपुराण शामिल हैं। जो महत्वपूर्ण लगे कि हाँ ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सौर, आश्चर्य, मारीच, तो इसीलिए इसको सेलेक्ट किया, और भी बहुत से हैं आप देख सकते हैं वहाँ, इसकी लिस्ट जो आपको गूगल करके मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणों से मुक्ति के संबंध में उल्लिखित नहीं है। मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, ये बहुत आसान है। पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण नहीं होता, ये गलत है। इसीलिए आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह सूत्र में सर्वाधिक संस्कारों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, उल्लेख हुआ है। गौतम ग्रह सूत्र, आश्वलायन, आश्वलायन, वैरवानस और पारस्कर, तो गौतम में हुआ है। 40 जो है संस्कारों का उल्लेख हुआ है गौतम ग्रह सूत्र में। अवलोक के दर्शन, देखिए ये में किस दार्शनिक प्रणाली की गणना होती है, तो वैशेषिक दर्शन की होती है। ये न्याय दर्शन, चार्वाक दर्शन, योग दर्शन ही, तो वैशेषिक दर्शन को अवलोक के दर्शन कहा जाता है। परमाणुवाद की स्थापना किस भारतीय दर्शन परंपरा में प्राप्त होती है, तो वो वैशेषिक दर्शन में होती है। तो ये सवाल भी आता रहता है और ये भी आता है, आ भी चुका है। अब 23वां सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ ईश्वर सेन के द्वारा रचित सांख्य कारिका है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को भी पुरुष के समान चेतन माना गया है, तो पहला वाला क्या सही है स्टेटमेंट कि सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ ईश्वर सेन के द्वारा रचित सांख्य कारिका है, सही है ये? तो ये ईश्वर सेन नहीं है, ईश्वर कृष्ण है। ये IAS में इस तरह का बहुत किया जाता है UPSC के द्वारा,
शब्दों में हेर फेर क्यों, फाइल चेक करनी होती है तो बहुत माइन्यूटली चीज़ों का अवेयर रहना चाहिए। आईएएस हो जाने के बाद जब लोग डीएम बनते हैं तो बहुत सारी फाइल रहती है, तो ऐसे में बहुत अलर्ट होकर के, फाइल का बहुत महत्व होता है, नाम का, चीज़ों का, तो ऐसे में भ्रमित किया जाता है। तो ईश्वर सेन नहीं, ईश्वर कृष्ण हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति को भी पुरुष के समान चेतन माना गया है, तो ये गलत है, प्रकृति को जड़ माना गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति इन दोनों की सत्ता अनादि और अनंत मानी गई है, यानी प्रकृति भी अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, यानी उसकी कहाँ से शुरुआत ही ये बताया नहीं जा सकता, वो अनादि है। और पुरुष की भी सत्ता अनादि है, अनंत है, प्रकृति भी अनंत है, बस पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। तो ऐसे में देखिए, पहला वाला क्या है, गलत है, और दूसरा वाला भी क्या है, गलत है, तो दोनों असत्य हो जाएंगे। तो जो भी दर्शन है, भारतीय दर्शन परंपरा जो है, उसकी मौलिक बातों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। चार्वाक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन है तथा इसमें ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, तो यह सही है। इसके प्रवर्तक गुरु कणाद माने जाते हैं, जो भौतिकवाद के प्रबल समर्थक थे, तो यह गलत है, कणाद नहीं माने जाते, क्योंकि ये वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, इसके माने जाते हैं गुरु बृहस्पति। अब देखिए, यह दर्शन यज्ञ क्रिया के द्वारा अधिक से अधिक धनार्जन करने पर बल देता है, तो ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, यज्ञ क्रिया के द्वारा नहीं, क्योंकि यज्ञ किया जाता है देवी देवताओं की को प्रसन्न करने के लिए, तो देवी देवताओं को कहाँ माना गया है चार्वाक दर्शन में, ना तो ईश्वर की सत्ता मानी गई ना आत्मा की, तो ऐसे में यज्ञ क्रिया कहाँ से होगी, तो ये गलत है। तो इस तरह से देखें तो इसे पहला वाला सही है। यहाँ पर ये यज्ञ यह दर्शन यज्ञ क्रिया के द्वारा अधिक से अधिक धनार्जन करने बल देता है, यहाँ पर एक ट्रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको रखा था, ताकि सोचे कि हाँ अधिक से अधिक धनार्जन करने पर बल देता है, तो हो सकता है यज्ञ करके पैसा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। मीमांसा दर्शन की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मीमांसा दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ क्रिया पर बल देता है, यह दर्शन वेदों के नित्य एवं यह दर्शन वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानता है, इस दर्शन का मूल ग्रंथ कपिल मुनि का पूर्व मीमांसा सूत्र है। तो देखिए, ये वाला सही है, मीमांसा दर्शन जो है वो यज्ञ क्रिया पर बल देता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये सही है। ये दर्शन वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानता है, ये भी सही है। ये वाला गलत है, मूल ग्रंथ कपिल मुनि का नहीं है बल्कि जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा सूत्र जो है वो जैमिनी का है, तो इसलिए पहला और दूसरे ने एक और दो बी वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, जनजाति दिया है और राज्य दिया हुआ है, खोंड उड़ीसा, बग्गा जम्मू कश्मीर, कोटा तमिलनाडु, कोलम आंध्र प्रदेश, तो बताइए। जनजाति में क्या है, जो बग्गा है ये भी तमिलनाडु से है, और कोटा जो है वो भी तमिलनाडु से है, तो दूसरा वाला जो है देखें आप, ये सुमेलित नहीं है, जनजाति है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आज जो है ये, इसमें आंसर यहाँ पर नहीं आ पाया, उसको सेटिंग में नहीं हो पाया, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खोंड जो है वो उड़ीसा से है, बग्गा जो है वो भी तमिलनाडु से, कोटा जनजाति तमिलनाडु से ही है, कोलम आंध्र प्रदेश से, ये सही है। मान लिया ऐसे डैश करके ले लेते हैं, तो इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा, सुमेलित नहीं है डैश यहाँ पर, तो ये बग्गा जम्मू कश्मीर नहीं है, ए वाला मान लिया, बी वाला विकल्प है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, तो गेलोंग है या मान लीजिए ए विकल्प है, तो यही सुमेलित नहीं है, इसमें डैश से डैश कर लिए, तो गेलोंग जो है वो मणिपुर में नहीं है, बल्कि ये गेलोंग जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, बाकी मिकिर तो असम में है ही है, लहोरा नागालैंड में है, और बैगा मध्य प्रदेश में है। आगे चलिए, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जब कन्या पक्ष के द्वारा कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके किसी पुरोहित को दान में दे दिया जाता था, तो ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहते थे, तो क्या यह सही है, जिस विवाह में पति पत्नी को समान आचरण करने का उपदेश दिया जाता था उसे दैव विवाह कहते थे। तो देखिए, ये कथन दिए हुए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों असत्य, तो पहला वाला देखिए ये असत्य है, आर्ष विवाह नहीं कहते थे, दैव विवाह में आता था वो,
किसी पुरोहित को दान में दे दिया जाता था। जिस विवाह में पति पत्नी को समान आचरण करके उपदेश दिया था उसे दैव विवाह कहते थे, नहीं बल्कि प्राजापत्य, प्रजापत्य। तो ऐसे में दोनों क्या हैं, ये असत्य हो जाएंगे। तो विवाहों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अब देखिए 29वां सवाल, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैचाश विवाह, उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे विवाह निंदनीय माने जाते थे? तो ये चारों के चारों माने जाते थे, ठीक है। गांधर्व विवाह भी, आसुर भी, राक्षस भी, चारों को निंदनीय माना जाता था। 30वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अपहरण पर आधारित था, राक्षस, पैचास, आसुर और गांधर्व? तो अपहरण पर कौन सा था? राक्षस। ये अपहरण पर आधारित था। आसुर विवाह में क्या होता था, बल्कि क्रय विक्रय होता था, धन दिया जाता था। पैचाश विवाह में सोई हुई या पागल कन्या के साथ विवाह पैचाश विवाह में होता था, और राक्षस विवाह में क्या जाता, अपहरण किया जाता था। तो आसुर विवाह में क्रय विक्रय के आधार पर होता था विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह एक प्रकार से क्रय विक्रय पर आधारित था? तो कौन सा था? आसुर विवाह। ये क्रय विक्रय पर आधारित था। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गांधर्व विवाह का उल्लेख सबसे पहले महाभारत में प्राप्त होता है। वशिष्ठ तथा आप स्तंभ ने गांधर्व विवाह को अधार्मिक बताया है। मनुस्मृति में गांधर्व विवाह को अपवाद स्वरूप घोषित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देखिए सबसे पहले उल्लेख गांधर्व विवाह का महाभारत में नहीं मिलता है, बल्कि ऋग्वेद में इसकी प्राप्ति प्राप्त होती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि पूर्व वैदिक काल में ये गांधर्व विवाह प्रचलित था, और ये वाला कथन सही है, वशिष्ठ और आप स्तंभ ने गांधर्व विवाह को अधार्मिक बताया है, और ये वाला भी सही नहीं है। मनुस्मृति में गांधर्व विवाह को अपवाद स्वरूप घोषित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है, स्वीकृति प्रदान नहीं किया है। तो इसलिए सिर्फ दूसरा वाला विकल्प सी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसनीय विवाह की कोटि में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? आर्षदेव प्रजापत्य, गांधर्व नहीं आता है। इसको प्रशंसनीय विवाह की कोटि में नहीं रखा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आरओ, एआरओ, पीसीओ, इस तरह के हिसाब को रखते हुए भी रखे गए हैं सवाल। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित नहीं थी। दूसरा, स्वयंवर प्रथा का पहली बार प्रचलन महाभारत काल में हुआ। तो ये वाला क्या है? गलत है। ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित नहीं थी, बल्कि प्रचलित थी, उल्लेख मिलते हैं। स्वयंवर प्रथा का पहली बार प्रचलन महाभारत काल में हुआ था, तो यह गलत है। तो दोनों ही क्या हैं? दोनों असत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस भूभाग में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र? तो आएगा मध्य क्षेत्र में, 56% रहती हैं। कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? राजा, जनपद, मंत्रिपरिषद, मित्र? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? वो शामिल नहीं है मंत्रिपरिषद। राजा, जनपद और मित्र ये शामिल हैं। कोष है, दुर्ग है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गणराज्यों में राज्य की सत्ता एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में होती थी। प्राचीन काल में भारत के पूर्वी हिस्से में भोज राज्य को अस्तित्व था। प्राचीन समय में भारत के दक्षिणी भाग में वैराज्य शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो गणराज्यों की सत्ता जो है एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में होती थी, तो यह सही नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से शासन होता था। प्राचीन काल में भारत के पूर्वी हिस्से में भोज राज्यों का, यानी पूर्वी हिस्से में भारत के भोज राज्यों का अस्तित्व था, तो सही है ये। और भारत के दक्षिणी भाग में वैराज्य शासन प्रणाली प्रचलित थी, तो ये भी सही है। तो दो और तीन सही हैं, तो सी वाला सही है। इस तरह से क्या होगा, एक संस्कार पैदा होगा कि हाँ, हम षड दर्शन, जितने भी दर्शन में जो बातें हैं, विवाह के संबंध में जो बातें हैं,
संस्कार को लेकर के जो भी उसमें नोट्स बन सकते हैं। तो फिर क्या होता है, इस तरह के वीडियो देखने पे एक इंसान को इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोई भी काम जो होता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हो, एक असर छोड़ता है। तो इसलिए जो है पॉजिटिव अप्रोच को जो है वो अच्छा माना जाता है। हमारे मन में जब भी कोई निगेटिव विचार पैदा हो तो हमें उसे रोक देना चाहिए। इसलिए अगर हम उसको रोकेंगे नहीं और लगातार इस तरह के निगेटिव विचार आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है, तो उसको रोक देना चाहिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुजराती साहित्य में गद्य स्वरूप को निखारने में दलपत राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि नर्मदा शंकर ने काव्य स्वरूप को निखारा था। तो एक गद्य स्वरूप है, एक काव्य स्वरूप है। अब देखिए, शंकर देव के निर्देशन में असम के अंदर संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। तो पहला वाला देखिए, जो गुजराती साहित्य है, तो भाई हमारे भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनका साहित्य मतलब उनके साहित्य का उदय कब हुआ, कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उस भाषा में कौन से बहुत अत्यंत प्रसिद्ध कवि या लेखक हैं, इसकी सामान्य जानकारी तो कम से कम UPSC या किसी भी कमीशन के द्वारा एक मानी जाती है कि एस्पिरेंट के पास होगी। तो इसका एक नोट्स तो होना चाहिए और कुछ बातें याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हो जाते हैं तो वो जहन में नहीं रह पाते हैं। तो गद्य स्वरूप को निखारने में दलपत राम ने नहीं बल्कि नर्मदा शंकर ने किया था, ये गलत है। और काव्य स्वरूप को, यानी जो गद्य स्वरूप है उनको नर्मदा शंकर ने किया था, और जो ये आपका काव्य स्वरूप है उसको दलपत राम ने किया था, इसी को मिसमैच कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, जो नर्मदा शंकर है उन्होंने गद्य स्वरूप को, गुजराती साहित्य में जो गद्य स्वरूप है उसको विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जबकि दलपत राम ने काव्य स्वरूप को यानी पोएट्री को विकसित किया है। शंकर देव के निर्देशन में संस्कृत भाषा नहीं बल्कि असमिया भाषा का विकास हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा, तो दोनों ही असत्य हो जाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माधव कंदाली ने महाभारत का असमिया भाषा में अनुवाद किया था, तो माधव कंदाली के बारे में जानना चाहिए। रुद्र कंदाली और कविरत्न ने रामायण के कुछ अंशों का असमिया भाषा में अनुवाद किया था, उपर्युक्त में से कौन सा इस कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों असत्य। तो देखिए, माधव कंदाली ने जो है रामायण का किया था, माधव कंदाली ने जो है ये रामायण का किया था, महाभारत का नहीं। और रुद्र कंदाली और कविरत्न ने महाभारत का किया था, रामायण का नहीं किया था, तो ये भी मिसमैच कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो दोनों ही असत्य हो जाएंगे। 40वां सवाल देखिए, क्योंकि 50 सवाल रखे हैं तो कुछ मिलेगा। अब 10-10 सवाल, 5-5 सवाल से फायदा नहीं होगा, 15 सवाल से। जब किसी चीज़ को हम एक अच्छी क्वांटिटी में करेंगे, यहाँ पर बाद में मैंने विचार किया, क्योंकि उसमें हमें टाइटल देना पड़ता है, टैग डिस्क्रिप्शन लगाने पड़ते हैं, एक जैसा नहीं हो सकता। यूट्यूब क्योंकि मशीन के ज़रिए काम करता है, तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा पार्ट में बनाए जाएं, लेकिन सवाल थोड़ा ज़्यादा रखे जाएं, तो फिर दिक्कत नहीं होती अपलोड करने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्ला साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर को जाता है, तो ये बात एकदम सही है। चारीय पद को बांग्ला साहित्य में बांग्ला साहित्य की प्रथम साहित्यिक कृति माना जाता है, तो यह भी सही है, तो दोनों ही सही है। 41वां सवाल, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दुर्गेश नंदिनी - बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत बहुहोली रस सालीभद्र, ये देखें दोनों ही सही है। ये दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है कि भारत बहुहोली रस जो है वो गुजराती भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है, इसीलिए इसको रखा है। सालीभद्र ने इसको लिखा है, तो ये दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुजराती साहित्य के विकास में पारसी समुदाय का सर्वाधिक योगदान रहा है। सरला शंकर ने महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था, सरला शंकर ने। तो देखें, पहला वाला, गुजराती साहित्य के विकास में पारसी समुदाय का सर्वाधिक योगदान रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है।
योगदान रहा है लेकिन सर्वाधिक नहीं है, पर्याप्त तो योगदान है इनका लेकिन सर्वाधिक योगदान रहा है, ये गलत हो जाएगा। सरला शंकर ने महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था, तो सरला शंकर नहीं है बल्कि सरला दास हैं, यहाँ शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरला दास ने महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ही असत्य हो जाएंगे। फकीर मोहन सेनापति किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? उड़िया भाषा के, असमिया भाषा के, गुजराती भाषा के, मैथिली भाषा के, आप विकल्प सोच लें। फकीर मोहन सेनापति ये हैं आपके उड़िया भाषा के। आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुकुंद राजा को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो पहला वाला देखिए गलत है और दूसरा वाला भी गलत है, तो दोनों असत्य हैं। तो फिर सत्य क्या है? मुकुंद राजा को प्रथम कवि माना जाता है मराठी साहित्य का, ये मुकुंद राजा जो हैं, और जबकि ज्ञानेश्वर को जो माना जाता है मराठी साहित्य का जनक, साहित्य का जनक जो है वो ज्ञानेश्वर को माना जाता है। यहाँ पर ट्रैप करने के लिए लिखता था कि संत हैं ये, तो ये समझ में आएगा कि हो सकता हो क्यों ज़्यादा संत कवि रहते थे, तो इसीलिए भ्रमित करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने रखा है, तो ध्यान रखें इसे। ज्ञानेश्वर को साहित्य का जनक माना जाता है, मराठी साहित्य का जनक, और जबकि मुकुंद राजा को क्या माना जाता है, तो ये प्रथम कवि माने जाते हैं मराठी साहित्य के, इसलिए दोनों असत्य हो जाएंगे। एकदम मौलिक बातों को लिया है किसी भाषा की, ताकि कम से कम सतही ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की है? अल्लसानी पेडन्ना ने, पेडन्ना ने, तेनाली रामकृष्ण ने, कृष्णदेव राय ने, चेमकुरा वेंकट ने, तो किसने किया है? पांडुरंग महात्म्य, तो ये किया है आपके तेनाली रामकृष्ण ने। नृपतिंग द्वारा रचित कविराज मार्ग पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? नृपतिंग ने लिखा है कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में, मलयालम भाषा में, संस्कृत भाषा में, तो इसको लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। अब देखिए आगे चलते हैं। ज्योतिरीश्वर नेपाली भाषा के महान कवि थे। ये ज्योतिरीश्वर नेपाली भाषा के महान कवि थे। कोनम्मा कन्नड़ की श्रेष्ठ कवयित्री थीं। ये कोनम्मा जो है, तो देखिए पहला वाला क्या है? पहला वाला गलत है। ज्योतिरीश्वर जो हैं वो मैथिली भाषा के हैं, नेपाली भाषा के नहीं, मैथिली भाषा के महान कवि थे। और ये वाला सही है, कोनम्मा कन्नड़ की श्रेष्ठ कवयित्री थी, ये सही है। तो दूसरा वाला विकल्प सही है। तो देखिए एकदम आपके लिए एक्यूरेट चीज़ यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है कि कम से कम मूलभूत बातें हमें पता होनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर में। प्रसिद्ध ग्रंथ मनुचरित्र की रचना किस तेलुगु लेखक ने की है? अल्लसानी पेडन्ना, कृष्णदेव राय, तेनाली रामकृष्ण, चेमकुरा वेंकट, तो ये किसने किया है? अल्लसानी पेडन्ना ने किया है। तमिल भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ तोलकाप्यम, ये तो बहुत आसान है, अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? कविता के लिए, व्याकरण के लिए, जड़ी बूटी के वर्णन के लिए, ज्योतिष के लिए, तो ये व्याकरण के लिए है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है ये तोलकाप्यम। 50वां सवाल देखिए, अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपने लोक साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, डोगरी, तो वो है मणिपुरी। तो देखिए आपके सामने मैंने 50 सवाल पेश किए, 40 मिनट के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है। इससे क्या होगा, जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका जो है पॉजिटिव इम्पेक्ट आता है लोगों के ऊपर, तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये बात फिर एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमको इस तरह से भाषा के बारे में, विवाहों के बारे में, संस्कार के बारे में कहीं से भी पूछा जा सकता है, साहित्य के बारे में, तो इस तरह से तैयारी ज़रूरी है। फिर आगे इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर पे आपके सामने सवाल जो है वो पेश किए जाएंगे
और कोशिश रहेगी 50-50 सवाल ही रहें, ताकि जो है वो अपलोड करने में बार बार पार्ट वाइज ना करना पड़े, कम पार्ट में ही हो जाए। तो उम्मीद है कि आप इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। एक मेहनत लग कर के कोई काम होता है और ये आप लोगों के लिए है, किया भी जा रहा है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।